नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो अगर फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले लगातार जो है मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, पर इस बीच ये कमेंट से देखने को मिल रहा है कि कल किस प्रकार की मार्केट ओपनिंग यहाँ पे रह सकती है, किस प्रकार के उतार चढ़ाव कल देखने को मिल सकते हैं और कल के क्या टारगेट यहाँ पे रहने वाले हैं, और साथ ही साथ कंपनी का जो फंडामेंटल है वो किस प्रकार देखने को मिल रहा है, अभी टाइम कौन सा जो फंडामेंटल सेगमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और कौन सा वीक नजर आ रहा है, साथ ही साथ अभी टाइम शॉर्ट का क्या संकेत रहने वाला है। अभी टाइम दोस्तों शेयर की प्राइस अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफी अच्छी प्राइस पर रिटर्न पर जंप यहाँ पे देखने को मिला लास्ट ट्राइम पर, और उसी के बाद अगर फंडामेंटल में देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप सेगमेंट में काफी अच्छी यहाँ पे जो तेजी है वो यहाँ पे देखने को मिली। मार्केट कैप में अच्छा खासा बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली, पर उसी के साथ साथ कंपनी में लगातार जो है दोस्तों रिटर्न पर जो है काफी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोग को पिछले टाइम जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिली थी वो दोस्तों 35% के जो रिटर्न थी वो ऑल ओवर पर यहाँ पे देखने को मिली थी। पर अभी के टाइम दोस्तों क्वार्टर वन के डेटा के बाद अगर यहाँ पे देखने को मिला है कि 39.8% का जो रिटर्न है वो अभी के टाइम पॉजिटिव वे में देखने को कंटिन्यूसली लगातार जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो कंपनी का जो फंडामेंटल सेगमेंट है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ देखने को नजर आ रहा है। उसी के साथ कंपनी का दोस्तों इंडस्ट्रीज पी अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले टाइम जो देखने को मिल रहा था वो दोस्तों यहाँ लगभग 45 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा था, तो उस पर भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फंडामेंटल जो सेगमेंट है वो जो बाहरी फंडामेंटल सेगमेंट है जो CMP जो करंट मार्केट प्राइस जो देखने को मिल रही है तो वो भी दोस्तों अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि अपर सर्किट कंटिन्यूसली यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। उसी के साथ दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो देखने को मिल रही थी उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों भले ही अगर कंपनी के ऊपर कर्ज की जो बात है वो काफ़ी बड़ा कर्ज क्यों ना देखने को मिल रही हो वो बात अलग है, पर दोस्तों कंपनी आगे चलकर वापस यहाँ पर रिकवर होने का जो है बड़ा जो संकेत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम जो कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला था 89,047 करोड़ का BSNL वाला, तो उसमें भी कंपनी को अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक जो है उस प्रोजेक्ट पर कार्य स्टार्ट नहीं किया है। दूसरी बात ये देखने को मिल रही है कि कंपनी दोस्तों लगातार जो है प्रोजेक्ट पिछले टाइम देखने को मिले थे वो दोस्तों 600 करोड़ का दोस्तों सेकंड प्रोजेक्ट यहां पे मिला था दोस्तों वाईफाई ब्रॉडबैंड राउटर लगाने को लेकर, उसमें भी अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट बनने का संकेत नजर आ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ पिछले टाइम कंपनी जो प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया था तो उस पर कंपनी काफी जल्दी दोस्तों प्रोजेक्ट पर कार्य स्टार्ट यहां पर करने वाली है, उसमें कंपनी को फ्यूचर टाइम के लिए दोस्तों काफी अच्छा रेस्पॉन्स यहां पर नजर आ सकता है। इस वजह से कंपनियों का अच्छी खासी जो तेजी है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल सेगमेंट अगर उस बेस पर अगर कार्य करता है उसके साथ साथ उसमें शेयर में रिकवरी यहाँ पे नजर आ सकती है। और अभी टाइम कंपनी दोस्तों पिछले 1 ईयर की अगर सेल की बात करूँ लास्ट ईयर की तो 1125 करोड़ की शेयर की यहाँ पे सेल यहाँ पे देखने को मिली थी, पर उसमें कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग दोस्तों 76.4% की जो है यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग नजर आ रही है। पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, रेस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल रहा है 23.5 का, पर उसमें दोस्तों FI की अगर होल्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो थोड़ी कम नजर आ रही है। DI की दोस्तों नेक के बराबर देखने को मिलने वाली है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे 45% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कंपनी आगे चलकर उसमें जो प्रॉफिट है आप लोग का अच्छा यहाँ पे बुक करवा सकती है। साथ ही साथ अभी टाइम कंपनी जो है लगातार तेजी से इस प्रकार की यहाँ पे बुक कर रही है, तो कंपनी दोस्तों कर्ज भी काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पे कम करती हुई नजर आ रही है, तो जल्दी दोस्तों कंपनी का जो कर्ज है वो नेक के बराबर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाला, और कंपनी जो है अच्छी खासी तेजी की पकड़ के साथ आप लोग को आगे चलकर जल्दी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों अगर बेसिक जानकारी की ओर लेकर चलो दोस्तों, उससे पहले बता दूं जानकारी को अगर यहाँ पे वॉच किया तो दोस्तों, और दोस्तों फिलहाल कंपनी में पिछले टाइम से जो नेगेटिविटी देखने को मिली उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली, पर अभी के टाइम जो देखने को मिल रही है ब्याज अवरेज यहाँ पे का अनुपात जो है वो यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी दोस्तों पिछले 5 ईयर में कंपनी जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है 10% के आसपास, और बाकी फंडामेंटल सेगमेंट में अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, पर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में कंपनी का थोड़ा सा जो फंडामेंटल है वो नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि लगातार जो हर क्वार्टर में कंपनी को बड़ा लॉस का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, पर बाकी जो मार्जिन सेक्टर में कंपनी वापस से यहाँ पे रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी टाइम कंपनी का जो वर्तमान टाइम का जो फंडामेंटल सेगमेंट अभी टाइम देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए तो 1151 करोड़ का कर्ज यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला है लास्ट ईयर पर, तो फंडामेंटल थोड़ा सा ज़्यादा वीक यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी अगर अदर सेगमेंट में अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हुए भी नजर आ रही है, रिकवरी अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों सेल्स ग्रोथ में यहाँ पे देखने को मिल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार कंपनी जो है बड़ी जल्दी यहाँ पे रिकवर होने का जो चांस है वो काफ़ी
ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यहाँ पे करने वाला हूँ कि कंपनी का जो फंडामेंटल सेगमेंट जिस प्रकार तेजी के साथ रिकवर हो रहा है, तो कंपनी आप लोग को बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करवा सकती है। तो अभी के टाइम दोस्तों जो बाय करने का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी से देखने को मिल रही है। फिलहाल दोस्तों इस एनालिसिस के बारे में अपना जो वीडियो बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में जरूर से पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।